हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटासोम। अब ये फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होती है? बेटा, आपने सुना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये सनलाइट प्लांट किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं और ये किस रूप में आगे फॉरवर्ड होती है एज ए एनर्जी, एज अ हीट, वो किस तरह से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, वो हमें समझना है। तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि क्वांटासोम क्या है या फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है। एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक यूनिट का ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम एक्चुअल में पिगमेंट्स का ग्रुप है। पिगमेंट्स का क्या है, वो एक ग्रुप है जिसमें लॉट्स ऑफ पिगमेंट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन्स के रूप में। किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? फोटोन्स के रूप में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो सनलाइट की स्वाभाविक है, आपको पता है सनलाइट में डिफरेंट तरह की वेवलेंथ वाली लाइट होती है। तो हमारे जो प्लांट हैं उनके जो पिगमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, फोटोन्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो आगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में उसे फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा होगा कि फोटोसिंथेटिक यूनिट में जो क्वांटोसोम हैं या पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो आइए आज हम क्वांटोसोम के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्वांटोसोम फोटोसिंथेटिक यूनिट है जिसे इमर्सन एंड एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इमर्सन एंड एंडरसन नामक साइंटिस्ट ने, और ये वर्ड जो क्वांटोसोम वर्ड है वो एक्चुअल में दिया गया था पार्क एंड बिगिंस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था ये? पार्क एंड बिगिंस के द्वारा। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज एबल टू कैप्चर वन क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज क्वांटोसोम। मतलब कि फोटोसिंथेटिक यूनिट उस क्वांटोसोम उसे कहते हैं जिसमें सारे प्लांट में जो भी पिगमेंट है ना, ऑल ग्रीन प्लांट हो गए, अनदर प्लांट हो गए, उनमें जो भी पिगमेंट्स हैं है ना, वो पिगमेंट्स का ग्रुप जो लाइट की एक क्वांटम, कितनी, एक क्वांटम लाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करे, जो लाइट सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, दैट इज़ कॉल क्वांटोसोम। क्वांटोसोम में सबसे बेसिक कैरेक्टर, यदि उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 200 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम होती है। देन मॉलिकुलर वेट जो है उसका 9,60,000 होता है। कितना होता है? 9,60,000। अब ये क्वांटोसोम एक्चुअल में होते कहाँ हैं? आपने लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ होता है, प्लांट की लीव्स में होता है, स्टेम में, जहाँ भी ग्रीन पार्ट है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर उसका मैंने एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आपको बताया था जिसमें कि ग्रेनम, स्ट्रोमा है ना, लेमिली, ये पार्ट पाए जाते हैं। फिर ग्रेनम जो होता है आपको मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइंड कराना चाहूँगी कि इस तरह से प्लेट्स के बंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और इस एक ग्रेनम में एक जो सेल होती है या एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम थायलाकोइड्स कहते हैं। तो बेटा यही वो प्लेस है, थायलाकोइड्स वो प्लेस है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्वांटोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको वो भी बताया था कि क्लोरोफिल ए जो है मेन पिगमेंट है जो ऑल टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और एक्चुअल रिएक्शन सेंटर होता है वो किसी भी प्लांट का, कौन, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है एक्चुअल रिएक्शन सेंटर है देन अनदर जितने भी हमने पिगमेंट पढ़े थे, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन, कैरेटनाइट्स, जैंथोफिल, ये सब जो है ये एसेसरीज पिगमेंट कहलाते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइमरी पिगमेंट। इसको हमने क्या कहा था, प्राइमरी पिगमेंट।
देन अनदर जो है वो सब एसेसरीज पिगमेंट है। तो इनका कुछ अरेंजमेंट थैलेकोइड्स में इस तरह से होता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सेंटर होता है प्लांट का, और अनदर जितने भी पिगमेंट्स है जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो सारे पिगमेंट भी लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके किसे फॉरवर्ड करते हैं, क्लोरोफिल ए को ही फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है, मतलब यहीं से फिर आगे रिएक्शन होंगी। आपको बताना चाहूँगी कि प्लांट में जनरली जो ये साइंटिस्ट हैं इमर्सन, इन्होंने बताया है कि टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, रन करते हैं, कौन कौन से, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, ये टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम रन करते हैं जिसके थ्रू वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो वो जो PS1 है PS2 है उनमें ये पिगमेंट किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, देखिए ये एक ग्रेनम हुआ, ये इसका एक थैलेकोइड्स हुआ, इसमें ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन क्या है, ये पिगमेंट है, क्या है, ये पिगमेंट है। फर्स्ट ये जो सेंटर में होता है, सबसे बीच में जो सेंटर में पाया जाता है उसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल ए, इट इज़ द रिएक्शन सेंटर, ये क्या है, प्लांट का रिएक्शन सेंटर है। अनदर जितने भी ये सब बेटा, ये भी क्लोरोफिल ही है, क्लोरोफिल बी डी ई सी, ये सारे क्लोरोफिल इस तरह से अरेंज होते हैं। अनदर पिगमेंट भी होते हैं इनके अलावा भी प्लांट में, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी, साइट क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, है ना, ये सब कुछ, ये सब क्या है, ये एसेसरी पिगमेंट है। अब ये सारे, इनको क्या कहा जाता है, एंटीना, क्या कहा जाता है, एंटीना। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन अभी उस पुराने समय के जो एंटीनास थे, टीवी जो चलते थे वो एंटीना से चलते थे, हमारी टेरिस पे एक एंटीना लगा होता था, वो सिग्नल कैच करता था और फिर टीवी चालू होती थी, ऐसे ही वो एंटीना का प्लेस आज जो है वो डिश टीवी ने ले लिया। तो डिश टीवी भी वही वर्क करती है, सिग्नल्स पकड़ती है और हमारी टीवी जो है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल हम देख पाते हैं। तो सेम, कहने का मतलब यही है कि ये जितने सारे पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट हैं, ये भी एक एंटीना की तरह ही वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यह बता रही हूँ कि ये सनलाइट आई, ठीक है, अब ये सनलाइट आई, वैसे ही ये सारे पिगमेंट्स क्या हुए, एक्साइटेड हुए, पिगमेंट्स एक्साइटेड हुए, दैट मीन्स कि इन्होंने इस लाइट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, किस रूप में, फोटोन्स के रूप में, यहाँ से ये लाइट एनर्जी ये नेक्स्ट पिगमेंट को फॉरवर्ड कर देगा और ये एट लास्ट में जा कर के किसे आएगी, क्लोरोफिल ए को ही सारे पिगमेंट अपने फोटोन्स लाइट एनर्जी जो है वो क्या कर देंगे, दे देंगे। तो एट लास्ट सारी जो लाइट एनर्जी या फोटोन्स है वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ आएंगे, इस रिएक्शन सेंटर में, और जब इस रिएक्शन सेंटर में ये फोटोन्स, ये लाइट एनर्जी आ जाती है तो ये अपने में से क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन, क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को आगे चल करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव करते हैं। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि क्वांटोसोम की इन्हीं प्रोसेस की वजह से ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट मीन्स दे आर कैपेबल टू रिलीज ऑक्सीजन ऑल्सो, अगेन आई विल रिपीट, दे आर कैपेबल टू ऑक्सीजन रिलीज ऑल्सो, ओके। तो ये प्रोसेस जो है वो हम आगे के अपने वीडियोज, जैसे PS1 फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू जो मैं आगे डिस्कस करूँगी उसमें ये हम समझेंगे। अब आप इसमें ये देखिए कि ये जो दोनों सिस्टम रन करेंगे, जैसा मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए इनका रिएक्शन सेंटर है, तो ये PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होगा उसका नाम है P700। अब मैंने यहाँ पर 700 क्यों लिखा है, 700 इसलिए लिखा है कि पिगमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये P700 लिखा है, दैट मीन्स कि ये कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है,
700 वेवलेंथ। तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, P700। एक्चुअल में ये क्या है, ये भी क्लोरोफिल ही है, बट इसके क्लोरोफिल का नाम क्या है या इसके रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700, जिसमें 700 क्या है, वो वेवलेंथ है ना, जो कि ये एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से PS2 में जो मेन रिएक्शन सेंटर है वो P680 है, मतलब 680 क्या है, वो वेवलेंथ है ना, 680 nm वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, और ये भी क्या है, एक तरह का क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्लोरोफिल ए ही होगा। अनदर जितने भी पिगमेंट्स हैं वो एज ए एसेसरी पिगमेंट इसकी क्या करेंगे, सिर्फ हेल्प करेंगे, दैट मीन्स फोटोन लाइट एनर्जी को क्या करेंगे, अंत में ला करके इसे ही क्या करेंगे, देंगे किसको, क्लोरोफिल ए को। ठीक, तो ये जो आगे के PS1 है, PS2 सिस्टम है, ये भी किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, इमर्सन के द्वारा, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।